आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य ने नामांकन दाखिल किया, नए आगाज और सकारात्मक परिवर्तन के लिए मांगा वोट। नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, मोदी ने कहा ममता दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। राहुल गांधी के नामांकन पत्रों पर आपत्ति, राहुल की शैक्षणिक योग्यता और नागरिकता पर सवाल। चुनाव आयोग ने दिया बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को नोटिस, शहीद करकरे के बयान पर मांगा जवाब। और साध्वी प्रज्ञा का मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला, मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में अपना नामांकन दाखिल किया। दिग्विजय सिंह ने भोपाल के लोगों से नए आगाज और सकारात्मक परिवर्तन के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने वादा किया कि आपकी हिस्सेदारी सदैव मेरी जिम्मेदारी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो दिग्गजों ने आज नामांकन दाखिल किया। गुना से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में तो दिग्विजय सिंह ने भोपाल में अपना पर्चा भरा। दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचने के पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके पीछे समर्थकों का भारी हुजूम भी कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इससे पहले दिग्विजय झरनेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मिले, विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद आधे घंटे तक उनसे अकेले में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पत्नी अमृता राय और भाई लक्ष्मण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल के लोगों से नए आगाज और सकारात्मक परिवर्तन के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि आपकी हिस्सेदारी सदैव मेरी जिम्मेदारी होगी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, भोपाल की यही खूबसूरती है, स्वभाव का तानाबाना इसकी पहचान है। ऐसी पहचान जो पुरखों ने विरासत के रूप में हमें सौंपी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को सहेजें, पोषित करें और सौहार्द के सांचे में विकास को बुने। विकास की दौड़ में हमारी संस्कृति, हमारी पहचान धूमिल ना हो जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमारी कोशिश होगी कि भोपाल अपने नैसर्गिक सौंदर्य, अपनी सांस्कृतिक पहचान एवं शांत वातावरण के साथ एक आधुनिक भोपाल बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। मोदी ने कहा, पहले गरीबों के पसीने की कमाई नारदा, सारदा और रोज वैली ने लूट ली और फिर दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए तो वो धरने तक पर बैठ गई। दीदी अपना यह मॉडल देश में लागू करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के चलते तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को है और इससे पहले पीएम मोदी की चुनावी रैली जारी है। इसी कड़ी में मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में रैली करने पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्पीड ब्रेकर दीदी को समझाने की ठान ली है कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का और उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसमें स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद उड़ गई है। इसी बौखलाहट में किस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। साथियों, इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मोदी बोले, दीदी अपना यह मॉडल देश में लागू करना चाहती हैं, जिससे गरीब और गरीब हो जाएगा। दीदी अपनी पार्टी में
जगाई मथाई की भर्ती कर रही हैं, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। इनके पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसा नहीं है। मोदी ने स्ट्राइक के मुद्दे पर ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि जब हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को साफ किया, तब दीदी उन लोगों में से थी जिन्होंने इसका सबूत मांगा। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो चिटफंड के घोटाले बाजों के सबूत खोजो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से अमेठी संसदीय सीट पर भरे गए नामांकन पत्र पर आपत्ति के बाद स्क्रूटनी अब 22 अप्रैल को होगी। शनिवार को अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर में स्क्रूटनी की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी का नाम पुकारा गया, जिसके बाद चार लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता और नागरिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह कभी ब्रिटिश नागरिक थे और उन्होंने एक साल के अंतर में बीए और एमफिल की डिग्री कैसे हासिल कर ली। अमेठी में आपत्ति के बाद राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक ने इन आक्षेपों का खंडन करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी की तारीख आगे बढ़ाते हुए 22 अप्रैल कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर राम मनोहर मिश्रा ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी का नाम पुकारे जाने पर उनके नामांकन पत्रों पर एक के बाद एक क्रमशः अफजाल, सुरेश चंद्र, ध्रुव लाल, सुरेश कुमार, इन चार लोगों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। अब इन आपत्तियों पर सुनवाई सोमवार को होगी। राहुल गांधी के नाम और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है, साथ ही आरोप भी लगाया कि राहुल ने हर चुनाव में सर्टिफिकेट बदले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि आज पूरा देश उस समय स्तब्ध रह गया जब अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई और उनका नाम पुकारे जाने पर कुछ लोगों की आपत्ति किए जाने के बाद राहुल और उनके वकील राहुल कौशिक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता पर यह चौंकाने वाली घटना है, उससे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वह कभी ब्रिटिश नागरिक थे। 2004 के हलफनामा में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें इंग्लैंड की कंपनी में निवेश नहीं किया था, जबकि 2005 में कंपनी के दस्तावेजों के अनुसार राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। क्या यह भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन नहीं है? जीबीएल नरसिम्हा राव ने राहुल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी शिक्षा पर कुछ संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। 2004 में उन्हें सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र मिला और इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री हासिल कर ली, जबकि इस बीच उन्होंने कुछ नहीं किया। 2009 में उन्होंने अपनी नई डिग्री फ्लोरिडा से रोलिंग्स कॉलेज से बीए की डिग्री दिखाई, तब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से एमफिल किया। 2014 में एमफिल की डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज हो गई। उन्होंने कहा कि 2019 में राहुल ने बताया कि उन्होंने 1994 में बीए किया और 1995 में एमफिल। अब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने बैचलर डिग्री हासिल करने के एक साल बाद ही एमफिल की डिग्री दे दी? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल बुधवार को अमेठी सीट से नामांकन भरा था। अमेठी लोकसभा सीट पर पांचवें चरण में 6 मई को चुनाव होना है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख हाथों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात। घर का फिर रहे बेरोजगार, जुमलो से हाँ की सरकार, कटो तुमने बंटा धार। अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं। वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने। ठग मास्टर ओ ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। वो बार बार दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रही हैं। उन्हें हिंदू विरोधी करार देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी हमला बोला। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जो लोग 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं वो मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने अंदेशा जताया कि हो सकता है कि षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भेज दिया जाए। जिस तरह से मेरे खिलाफ NIA कोर्ट ने दोबारा याचिका लगाई गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। साध्वी प्रज्ञा ने साफ कर दिया है कि भोपाल का चुनाव हिंदुत्व और भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। ये मुद्दा पूरे देश का है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि लोग साध्वी के अंत की चिंता ना करें। जो लोग देश विरोधी, धर्म विरोधी और आतंकवाद का साथ देते हैं ऐसे लोग अपने अंजाम के बारे में सोचें। ATS चीफ हेमंत करकरे पर विवादित बयान पर मचे बवाल पर माफी मांगने के बाद उन्होंने फिर से दोहराया कि मैं इस बयान को लेकर माफी मांग चुकी हूं, लेकिन क्या आप उन लोगों से माफी मंगवा सकते हैं जिन लोगों ने मुझे 9 साल प्रताड़ित किया है? लगता नहीं है, पर क्या होता है, षड्यंत्रकारी कितनी हद तक जाते हैं, परिणाम जो भी आए बाद की बात है, लेकिन इतनी हद तक जाते हैं वो कि 9 वर्षों तक जो मैंने झेला है, परिणाम जो आया वो आपके समक्ष है कि मुझे क्लीन चिट दी गई जांच एजेंसी के द्वारा, लेकिन 9 वर्षों तक उन्होंने जो मुझे अंदर रखा, मेरे जीवन के 9 वर्ष और ऊर्जावान वर्ष वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार से ये हो सकता है षड्यंत्र कर रहे हैं। 70 वर्षों के शासन काल में इन्होंने कैसे कैसे लोगों को स्थापित करके रखा है षड्यंत्र को सफल करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका हासिल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वह सत्य कहीं भी रह करके सत्य ही रहेगा। साध्वी प्रज्ञा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा जो लोग 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं वे मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कि हो सकता है षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भेज दिया जाए। जिस तरह से मेरे खिलाफ NIA कोर्ट में दोबारा याचिका लगाई गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। जो सत्य है वही उजागर होता है। 1984 के जो दंगे थे वो दंगे नहीं थे, ये हत्याकांड था, हत्याकांड था, और उस हत्याकांड के दोषी यहाँ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो किस नैतिकता के आधार पर कह रहे हैं कि साध्वी का अंत क्या? साध्वी के अंत की आप बात ना करें, साध्वी का आदि और अंत संन्यास का क्या होता है, ये आप इससे अनभिज्ञ हैं। आप अपने भ्रष्टाचारी जीवन में बने रहिए, ईश्वर आपको जो भी गति दे, लेकिन साध्वी के अंत की प्रतीक्षा मत करिए। इससे पहले साध्वी की BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा से मंत्रणा हुई। माना जा रहा है इसमें साध्वी को नपे तुले बयान देने के लिए ताकीद किया गया है। बताया जा रहा है कि वे अब BJP नेताओं से सलाह मशविरा करके ही मुद्दों को उठाया करेंगी। हालांकि प्रभात झा ने साफ किया कि साध्वी प्रज्ञा से उनकी सामान्य भेंट है, उन्हें किसी किस्म की समझाइश की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई में एक वैचारिकता की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है। मैं जिंदा रहूंगी नहीं, हिंदुत्व जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी लड़ाई है। ये आतंकवादी शब्द को समाप्त करने की लड़ाई है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू बाय बॉर्न, जन्म से ही वो उदार होकर आता है, ये विश्व के स्थापित मानदंड में सत्य बात है ये। इसलिए इन सब चीजों की लड़ाई है, ये सिर्फ कुर्सी और सत्ता और संसद में पहुंचने की लड़ाई नहीं है। इसलिए कोई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को समझाएगा, मैं ये मानकर चलता हूँ राजनीति में वो नहीं होगी, लेकिन सामाजिक जीवन के आध्यात्मिक जीवन में वो बहुत अनुभवी है। कल के करकरे पर बयान के बाद अब साध्वी काफी नपातुला बोल रही हैं। उन्होंने भोपाल के विकास के लिए आम बस्तियों में रहने वाले बच्चों से भी चर्चा की। मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए ATS के पूर्व चीफ हेमंत करकरे पर विवादित बयान देने के बाद मचे बवाल पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर बयान पर जवाब मांगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर शहीद करकरे पर दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। BJP प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ATS के पूर्व चीफ हेमंत करकरे को शहीद मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे को उनके कर्मों की सजा मिली है। इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है।
साध्वी प्रज्ञा की चौतरफा आलोचना हो रही थी। साध्वी को घिरते देख भाजपा ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी। हालांकि अब चुनाव आयोग ने साध्वी और भाजपा जिलाध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस बयान का स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग अगर प्रज्ञा के बयान से सहमत नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। कि इस बयान के बारे में हमारा जो मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने जब हमने प्रतिवेदन दिया तो इसको हम स्वयं इसका संज्ञान में लेते हुए इसका परीक्षण हम कर रहे हैं और कलेक्टर भोपाल से इस पर हमने एक प्रतिवेदन मांगा है। देखिए, जो एसपीजी प्रोटेक्टिव्स के जो भी सभाएं होते हैं वो एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत उनका जगह का चयन किया जाता है, उसमें जो भी नियम और निर्देश होगा उसका पालन होता है। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम नियम पर चलते हैं और मैं नोटिस से डरने वाली नहीं हूं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो नोटिस भेज दिया है वकील के जरिए उसका जवाब भी भेजा जाएगा। बीती रात कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर से पहले रूमा के पास पटरी से उतर गई। ट्रेन की कुल 12 बोगियां पटरी से उतरी हैं, जिसमें 60 लोग घायल हो गए हैं। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। रेल प्रशासन ने इस दुर्घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस हादसे की शिकार बोगियों में 2 पेंट्री कार और 6 स्लीपर व एसी कोच शामिल हैं। आरपीएफ के मुताबिक पूर्वा एक्सप्रेस में आगे की ओर से जनरल डिब्बे लगे हुए थे, जबकि पेंट्री कार के पीछे एसी के कोच लगे थे। पेंट्री कार से ट्रेन 2 भागों में बट गई। इनमें वातानुकूलित कोच भी शामिल है। पूर्वा एक्सप्रेस को कानपुर सेंट्रल पर करीब 12:05 पर पहुंचना था। वह करीब पहले से ही 1:12 की देरी से चल रही थी। उत्तर रेलवे के पीआरओ अमित मालवीय के मुताबिक अभी तक हादसे में किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत, एसएसपी अनंत देव तिवारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, एसपी पूर्वी, क्षेत्राधिकारी व अन्य कई थानों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व पीएसी भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। घायलों को पहले काशीराम ट्रामा सेंटर भेजा गया, वहां से कुछ को एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के वक्त सभी यात्री गहरी नींद में थे। ट्रेन के पटरी से उतरते ही चीख पुकार मच गई। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रा, झूठी हो गई तुमरी बात। घर का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुम्हें बंटा धार। अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं। वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने। ठग मास्टर ओ ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंद्रावती नदी के सूखने से विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट झरना विलुप्त हो चुका है। जी हां, अस्तित्व खोती बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर की जनता ने आज एक ऐतिहासिक शुरुआत की। दंडक दल के सदस्यों के साथ बस्तर की कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संस्थाओं ने मिलकर सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। लोगों ने आधे घंटे तक पानी में खड़ा रहकर इंद्रावती के संरक्षण के लिए नारे लगाए और जोरानाला मुद्दे पर निर्णायक पहल की अपील की।
गर्मियों के शुरुआत में ही इंद्रावती नदी को सूखता देख बस्तर की जनता ने सांस्कृतिक और पर्यटन संवर्धन की संस्था दंडक दल की अगुवाई में आज सुबह जगदलपुर स्थित पुराने पुल के समीप सांकेतिक जल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद जनसमूह ने नदी के जल में खड़े रहकर इंद्रावती के संरक्षण और संवर्धन की आवाज बुलंद की। इंद्रावती बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने जोरा नाला विवाद के लिए निर्णायक कदम उठाने की अपील की। दंडक दल के सदस्यों ने बताया कि यह शुरुआत है और आवश्यकता पड़ने पर इंद्रावती नदी के लिए व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इंद्रावती बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है और यह हर हाल में इसके अस्तित्व की लड़ाई जारी रहेगी। 2012 में छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के बीच कंट्रोल स्ट्रक्चर निर्माण के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए की संधि हुई। 1999 में मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह और ओडिशा के सीएम गिरधर गोमांग के बीच जल बंटवारे को लेकर सहमति बनी। 300 किलोमीटर क्षेत्र में फैली नदी पर 200 गांव के लोग आश्रित हैं। इसी नदी के जल के सहारे पूरा छत्तीसगढ़ अपने खूबसूरत जलप्रपात चित्रकूट पर नाश करता है। 20 सालों से इसका पानी जोरा नाले में जा रहा है। ओडिशा में इंद्रावती नदी पर अपने राज्य के खातीगुड़ा सहित कई जगहों पर छोटे बड़े बांध बना लिए गए हैं। इस वजह से गर्मियों में नदी का जल प्रवाह खत्म हो गया है। भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार घोषित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा पहली बार सीहोर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान से अपनी जीत के लिए प्रार्थना की और लोकसभा में जीत होने के बाद ही माला धारण करने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें यह समझाया कि यह साधारण लोकसभा चुनाव नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें यह समझाया कि यह साधारण लोकसभा चुनाव नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। वर्ष 2003 में लोकसभा चुनाव में उमा भारती ने दिग्विजय को 10 वर्ष का वनवास दिया और इस बार मैं उन्हें आजीवन पराजय का सबक सिखाने जा रही हूँ। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने अपने अतीत के दर्द को बयां करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन्हें मालेगांव बम कांड के आरोपी नंबर वन बनाया, ATS ने मुझे आरोपी नंबर वन घोषित किया, मुझे गर्व है कि भारत माता की बेटी हूं। ये कभी भी आतंक नहीं हो सकते, आतंकवाद इनके अंदर नहीं हो सकता और जिनके अंदर आतंकवाद होता है वो जाते हैं सीधे पाकिस्तान में। जो भी आतंकवादी बैठे हैं उनको ये जी लगा करके बात करके उनको सम्मान देते हैं। देश भक्त जीने और मरने वाले संस्कारी लोगों को, देशभक्त लोगों को ये आतंकवादी बनाते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इसलिए धर्म युद्ध है, इस राष्ट्र धर्म के युद्ध में। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने अपनी उम्मीदवारी को घेरने के लिए कोर्ट में दाखिल एक याचिका को लेकर कहा कि खुद कांग्रेस की माता और पुत्र जमानत पर हैं, पर मेरे को लेकर घबराए हुए हैं। चुनाव आयोग का एक तमाचा पड़ा और उन्होंने कहा कि हम साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति है, ना मैं टूटी हूँ, ना झुकी हूँ, ना ही झुकेंगे, यह चुनाव नहीं धर्मयुद्ध है। ये जब देश सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित होने के बाद ही हम विकास कर पाएंगे। अभी जो मोदी जी ने 5 वर्षों में विकास किया है वो आपके समक्ष है। 75 वर्षों में जो शासन किया उसमें जो गड्ढे थे भरे भी हैं और उसके बाद विकास भी किया है और भारतीय जनता पार्टी से सदैव विश्वस्त रहना कि वो देश के लिए ही कार्य करती है, समाज के हित के लिए कार्य करती है, विकास के लिए कार्य करती है, देश की समृद्धि के लिए विकास करती है। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस आतंक को बढ़ावा देती है। साध्वी ने महाराष्ट्र के ATS के चीफ स्वर्गीय करकरे मामले में कहा कि वह अत्यंत संवेदनशील है, उसकी याद आते ही हम रोते हैं। देश को सुरक्षित रहेगा तभी विकास होगा। लोकसभा चुनाव पूर्व गुटबाजी के चलते सागर में भाजपा के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ता की गुटबाजी और आपसी कलह ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कार्यकर्ता जाति स्तर पर गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के मंच पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की फोटो फ्लैक्स पर ना लगाने से गुटबाजी उभर के सामने आई है। चुनाव पूर्व सागर में भाजपा कार्यकर्ता गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं,
कि सागर लोकसभा से ब्राह्मण दावेदारों को दरकिनार कर एक वार्ड पार्षद को टिकट देने वाली भाजपा को अब ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को यह चुनौती खुद भाजपा प्रत्याशी राज बहादुर सिंह दांगी की मौजूदगी में दी जा रही है। इसका प्रमाण बीना विधानसभा क्षेत्र में हुई बैठकों में मिला, जिसमें पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह यादव को साधने वर्तमान सांसद लक्ष्मी नारायण और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की फोटो तो लगाई गई, किंतु नेता प्रतिपक्ष और जिले के सबसे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव की फोटो नहीं लगाई गई। फोटो न लगने से कहीं ना कहीं अब गुड़बाजी उभर कर सामने आने लगी है। बुंदेलखंड में भाजपा के दो कद्दावर नेताओं में आपसी खींचातान कहीं भाजपा के लिए मुसीबतों का सबब नहीं बन जाए। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख हाथों में ना आई रा, झूठी हो गई तुमरी बात। घर का फिर है बेरोजगार, जुमलो से हाँ की सरकार, कटो तुमने बंटा धार। अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं। वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने। ठग मास्टर ओ ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुराने भोपाल में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। भोपाल लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ, एसटीएफ, एसएएफ जवानों के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। मार्च सुबह लाल परेड ग्राउंड से शुरू होकर पुराने भोपाल सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में दल बल के साथ निकाला गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर आपराधिक किस्म के लोगों को एहसास दिला दिया है कि वो चुनाव के दौरान शहर का माहौल खराब न करें। एरिया डोमिनेशन के पर्पज से जो है फ्लैग मार्च जो है नॉर्थ ऑफ और दोनों डिस्ट्रिक्ट में निकाला जा रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि नॉमिनेशन प्रक्रिया या कारण सब लोग यहाँ पर और आज पहले दिन एक्साइटेड फ्लैग मार्च फ्लैग मार्च से संबंधित अगर जानकारी पूछ रहे हैं तो उसमें है कि ऐसे लोकेशन से ताकि पब्लिक को इसकी कन्वीनियंस हो और जो है इसके ऐसा लोगों ने प्लान किया। बुंदेलखंड में आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ना दबंगों को रास नहीं आता है। छतरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक परिवार को अपने बेटे को घुड़चढ़ी के लिए पुलिस की मदद लेना पड़ी और फिर पुलिस के संरक्षण में बारात निकाली गई। ये दास्तान हैरान करने वाली है। बुंदेलखंड में आज भी दलित के घोड़ी चढ़ने पर बवाल हो जाता है। हरपालपुर थाने काकूनपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां गांव के श्रीपत अहिरवार के बेटे की शादी थी, लेकिन उन्हें आशंका थी कि गांव के दबंग उनके दूल्हे बेटे को घोड़ी पर चढ़कर बारात को गांव में घुमाने नहीं देंगे। इसी विवाद के डर से बचने के लिए उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने दूल्हे के पिता के आवेदन पर उनके दूल्हे बेटे को पुलिस सुरक्षा देकर गाँव में उनकी बारात का भ्रमण करवाया और संगीनों के साय में शशि अहिरवार की बारात निकली। पुलिस के पुख्ता इंतजाम के कारण रात के दौरान किसी तरह अनहोनी दलित दूल्हे के साथ नहीं हुई। 5-6 दिन पहले श्रीपत अहिरवार जो पाकनपुरा का रहने वाला है, हमें कहा गया, उसने आवेदन दिया था कि उसके लड़के की शादी होने वाली है और गांव में घोड़े से वो फेरी निकालेगा
महाराज को, तो उसे उसे शंका थी गाँव वाले उसको निकालने नहीं देंगे और मारपीट कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने जांच की और गांव वालों से बात की, बैठक भी की, तो गांव वालों ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने हमें लिख के भी दिया जिन लोगों को शंका कर रहे थे रूप सिंह यादव वगैरह को लिख के भी दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं। आज उसकी बारात लड़के की निकल भी गई है घोड़े से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। असीम शांति प्रदान करने वाली सुंदर स्वरूप की धारणी भव्य मंदिर में विराजमान माँ राजराजेश्वरी हर कामना को पूर्ण करने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी भगवत भक्त जिनके दर्शन मात्र से जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। 1980 में तत्कालीन शंकराचार्य अभिनव तीर्थ महाराज ने त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की और यह स्थल शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तपोस्थली भी बनी। हरियाली से आच्छादित वादियों के बीच स्थित ज्योतेश्वर वर्तमान में धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप ले चुका है। भगवती राजराजेश्वरी शंकराचार्य की आराध्य देवी हैं। गोटे गांव के परम हंसी गंगा आश्रम में विराजमान त्रिपुरा सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा 1980 में शंकराचार्य अभिनव तीर्थ महाराज ने की। ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी यहाँ पर तपस्या की है। इस स्थान पर बसंत पंचमी में भव्य मेला लगता है जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिर की भव्यता देखने ही बनती है। नवरात्रि में माँ का विभिन्न विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जाता है। नवरात्र पर बड़ी संख्या में कलश स्थापना होती है। श्रद्धालु मन्नत के लिए हजारों की संख्या में दीप जलाते हैं। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का श्रृंगार खास है। मौसम के अनुरूप माँ का श्रृंगार मनोहारी होता है। कभी फलों से, कभी सब्जियों से, कभी मेवे से, तो कभी स्वर्ण आभूषणों से माँ का भव्य श्रृंगार देखते ही बनता है। वहीं नवरात्र में अलग अलग दिनों में अलग अलग देवी के रूपों में श्रृंगार किया जाता है। रामनवमी पर माँ को राम भगवान और जन्माष्टमी पर कृष्ण और शिवरात्रि पर शिव के रूप प्रदान किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। राजराजेश्वरी के मंदिर का निर्माण दक्षिण के कलाकारों द्वारा किया गया है, इसीलिए इसमें दक्षिण भारत की अद्भुत कला दिखाई पड़ती है। राजनैतिक तौर पर यह मंदिर अपने आप में अलग पहचान रखता है। बड़े बड़े राजनीति के दिग्गजों को यहाँ माथा टेकते देखा गया है। मंदिर में मां राजराजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां पर दर्शन के लिए आई थी। मां जगत जननी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के चारों ओर शंकराचार्य ने 64 योगिनियों की भी स्थापना कराई है, जिससे मंदिर और रमणीय हो गया। इस प्रांगण में भगवान सिद्धेश्वर का प्राचीन मंदिर भी है। आदिवासी बहुल इलाके में स्थित इस धार्मिक स्थल का सबसे प्राचीन मंदिर भगवान सिद्धेश्वर का है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी कामना की जाती है वह पूरी होती है। इस मंदिर के समीप ही वर्तमान में इस फटिक शिवलिंग की स्थापना कराई गई है, जिससे इस स्थल का महत्व और भी बढ़ गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा नहीं। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, दूसरे चरण का है ना मतदान खत्म हो गया, बता रहे हूँ। और उसके बाद तो ये खबरें आ रही है नोटेदार। और देखो ये कल है, भाजपा के नरसिम्हा राव जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो वहाँ पे किसी ने जूता लपा के फेंक दिया इनके ऊपर। बता रहे कोई भार्गव भार्गव है। और मैं बता रही हूँ ये कौन सी खुन्नस निकालते रहते हैं लोग, चुनाव का टाइम ही निकालते हैं सब खुन्नस। और जूता तो मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का है पांचवा स्तंभ बनता जा रहा है। तो पहले भूस के ऊपर फेंका था जूता, ये जूता वो जूते वाली कंपनी वाले आए थे मेरे पास कल, और वो कह रहे थे कि भैया हमारी कंपनी का जूता फेंकवाओ, उससे प्रचार भी होगा। ऐसा ऐसा तो चल ही है। और यह खबर और देख लो अभी लेटेस्ट, ये हार्दिक पटेल है जो इनके है ना कांग्रेस में शामिल हो गए, ये इनके ये मंच पर भाषण दे रहे थे, ये कहा है उनने रपट्टा सूद दिया इनके। हाँ बताओ, मैं मुझे लगा ये कांग्रेस के पंजे का प्रचार कर रही है। और बाद में पता लगा वो तो क्या है कि पाटीदार आंदोलन से है बहुत खफा था, बहुत उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बोले इतने लोगों को मरवा दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, चुनाव का टाइम ये जूता फेंक और लपटे पट्टे खूब चलते हैं। और ये खबर और सुन लो, आज की ऐसी खबरें आ रही हैं, ये जो कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये आगरा में इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर दिया उन्होंने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने है ना, और उनके खिलाफ जो कार्यवाही करी थी वो निरस्त कर दी पार्टी ने। अब ये जो तन मन धन से लगा हुआ है, ये पार्टी की सेवा कर रही है, उसको कैसा लगेगा बताओ आप? ये उसके साथ ये सब व्यवहार होगा तो ये हर्ट तो होगा ना इसको। हाँ, ये तो खबरें आ रही है, मेलाओं का सम्मान करो, मैं कह रहा हूँ, तभी अरे उद्धार होगा।
और ये खबर और देखो बंगाल में, बंगाल के जो वो है सोमेन मित्रा, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोल दिया है कि ममता बनर्जी से है ना कोई गठबंधन नहीं होगा, ना चुनाव के बाद होगा ना पीएलए होगा, इनकी सरकार बनी तो हम तो ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। वो बता रहे हो बंगाल में बीजेपी और उनकी तृणमूल की चल रही है या कांग्रेस भी आ गई, तीनों अलग अलग लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बहुत कठिन पड़ने वाला है ममता बनर्जी को बंगाल में, बता रही हूँ। वो बता रहे हो चुनाव लड़ाई में नेता ऐसे इमोशनल होने लगते हैं, बता रही। और भैया कल्याण ये खबर और सुन लो, ये प्रज्ञा भारती जो है भोपाल की प्रत्याशी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल हो गई है ऊपर अपनी पुरानी यातनाओं को याद करते हुए, बता रही हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात बता रही हूँ, ये चुनाव वाले टाइम पे है ना नेता लोग ऐसे इमोशनल होती हैं, आंसू बहाती हैं बहुत ज़्यादा, ये कई तो है ना गिलेस नहीं लग के ले जाते हैं, और फिर यार गरीबों के सामने जाएंगे भैया वही ऐसे रोएंगे। मुझे असली कारण ये है कि उनको लगता है कि उनको कहते हैं भैया हमें जिता देना, नहीं तो हमारी भी तू अपने जैसी हालत कर दे चुनाव के बाद, ये हम भी यही यहाँ रहना पड़े, ये ऐसा हो रहा है। और मैं भी वही अब क्या है, मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी खबरें सुन के बहुत इमोशनल हो रहा हूँ और जा रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।